अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अरसलान असलम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल में किस तरह उर्दू बोलकर उसको इंग्लिश में आपका मोबाइल लिखेगा। अगर आप उर्दू बोलेंगे तो आपका मोबाइल इंग्लिश में लिखेगा। अगर आप किसी से मैसेज पर चैटिंग करते हैं और वो इंग्लिश में बात करता है तो आपको भी इंग्लिश नहीं लिखने आती, मगर आप उसको इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मगर आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। तो दोस्तों, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आपको इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, 500 मिलियन इसके डाउनलोड है और बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, अब इसको ओपन करके देख लेते हैं कि आपको इसको यूज़ किस तरह करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट टाइम ये थोड़ा वेट लेगा, फिर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें आपसे सबसे पहले पूछ लिया कि कौन सी लैंग्वेज है जो आप स्पीक करेंगे और उसको किस में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको ऊपर उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों, मैंने उर्दू सेलेक्ट कर ली और नीचे हम चाहते हैं कि हम जो उर्दू बोल रहे हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो, तो हमें नीचे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों, मैंने इधर इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको नीचे इधर एक ऑप्शन दिख जाएगा डन का, आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इधर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिख जाएगा कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन में आने के बाद दोस्तों, इधर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा उर्दू और इंग्लिश, मगर आपको उर्दू पर क्लिक करके आपको जो भी उर्दू में बोलना है आप वो बोल सकते हैं। तो ऊपर जो एरिया है उधर उर्दू लिखी जाएगी और नीचे जो एरिया है, इधर नीचे जो लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है इधर, उसको आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको अभी इसको बोलकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा वॉइस रिकॉर्डर ऑन है। अगर मेरा वीडियो रिकॉर्डर ऑफ करना पड़ेगा तो ही होगा। दोस्तों, मैं वीडियो रिकॉर्डर ऑफ नहीं कर सकता, इस वजह से मेरा माइक एक तरफ लगा हुआ है तो दूसरी तरफ मेरा माइक नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये नहीं करके बता सकता, लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। आपको सिर्फ उर्दू के माइक पर क्लिक करना है, उर्दू के नीचे जो माइक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप जो बोलेंगे वो इंग्लिश में इधर आ जाएगा और उसको आप यहाँ से कॉपी करके अपने फ्रेंड को जिससे आपको इंग्लिश में बात करनी है, जो भी आपको इसका यूज़ करना है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।